कहते हैं सियासत में जीत उसी की होती है जिसके पास सामने वाले के हर एक चाल की काट मौजूद हो, जो सामने वाले के हर एक दांव पर सटीक तरीके से पलटवार करना जानता हो, या फिर सामने वाले की चाल का इंतजार कर अपनी रणनीति तैयार करने में माहिर हो। और यूपी में अखिलेश इन दिनों कुछ ऐसा ही करते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे, इस रिपोर्ट पर देखिए। इन्हें दुख दर्द नहीं पता जनता का, अगर दुख दर्द पता होता तो ये 4.5 साल में कुछ काम कर करके दिखाते। यूपी में सियासी तपिश के बीच हर कोई सत्ता के सिंहासन पर अपना परचम लहराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। तमाम राजनीतिक दल अपने अपने टीम के साथ सियासत के इस खेल में अपना ताल ठोक रहे हैं। ये चिलमजीवी लोग हैं, ये चिलमजीवी लोग हैं, इन्हें दुख दर्द नहीं पता जनता का, अगर दुख दर्द पता होता तो ये 4.5 साल में कुछ काम कर करके दिखाते। लेकिन सियासी पंडितों की माने तो यूपी में असल टक्कर तो सपा और बीजेपी के बीच ही देखने को मिल रही है, जहां एक और बीजेपी मोदी और योगी मैजिक के भरोसे एक बार फिर सत्ता पर काबिज होने का ख्वाब सजा रही है, तो वहीं सपा अखिलेश नीति के साथ बीजेपी के उस ख्वाब को तोड़ने की तैयारी कर रही है। ये सरकार कह रही है कि बिना ऑक्सीजन के किसी की जान नहीं गई। हमारे बाबा मुख्यमंत्री अखबार पढ़ के देखो, ऑक्सीजन की कमी से भी जान गई है। यही वजह है कि बीजेपी का सुपड़ा साफ करने के लिए सपा अखिलेश नीति के तहत फूक फूक कर अपनी चाल चल रही है। ऑक्सीजन से तो गई गई जान है, लेकिन बताओ वो खेत में जो घूम रहे हैं उससे परेशान हो के नहीं हो। अखिलेश यादव बीजेपी की तमाम कमजोर कड़ियों पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं और बीजेपी की कमजोरियों को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करने जा रहे हैं। जब आपका बिजली का बिल आता है तो बताओ बिजली के बिल से करंट लगता है कि नहीं लगता है आपको? शायद यही वजह है कि सियासी पंडित भी इस बार अखिलेश का दांव ज्यादा मजबूत मान रहे हैं। लैपटॉप मिलना था, कोई गाँव नहीं होगा जहाँ पर उस समय किसी न किसी लड़के को बच्चे को न मिला हो। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अखिलेश यादव की वो कौन सी नीतियां हैं जो इस बार बीजेपी के लिए सिरदर्द बनी हुई है। तो आइए आपको बताते हैं कि अखिलेश यादव की नीतियों के कुछ खास पहलू जिससे वो बीजेपी के खेमे में खलबली मचाए हुए हैं। अखिलेश यादव की पहली नीति जिससे वो बीजेपी को कमजोर करने के प्रयास में जुटे हैं, और वो है बीजेपी के चेहरों को तोड़कर अपने खेमे में शामिल करना, यानी बीजेपी के योद्धाओं को बीजेपी के खिलाफ ही प्रतिदंडी बनाकर चुनावी दंगल में खड़ा होना। और सपा मुखिया इसमें काफी हद तक सफल होते हुए भी नजर आ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और कई अन्य नेता जो हाल ही में बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हुए हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव की दूसरी सबसे बड़ी नीति है बीजेपी की ही नीतियों को देखकर और समझकर अपनी रणनीति तैयार करना, जैसे बीजेपी की जनविश्वास यात्रा के खिलाफ अपनी विजय रथ यात्रा निकालना, बीजेपी प्रत्याशियों के ऐलान का इंतजार करना और फिर उसके बराबर का मजबूत उम्मीदवार उतारना, जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण तो खुद अखिलेश यादव है जो इस बार सीएम योगी को टक्कर देने के लिए खुद चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। हालांकि योगी और अखिलेश अलग अलग सीटों से चुनावी मैदान में, लेकिन योगी को टक्कर देने के लिए अखिलेश भी पहली बार विधानसभा चुनाव में उतर चुके हैं। सियासी गठबंधन और टिकट बंटवारा भी अखिलेश की नीतियों का एक अहम हिस्सा है। अखिलेश इस बार कांग्रेस या सपा जैसी बड़ी पार्टियों के साथ गठबंधन करने के बजाय छोटे दलों के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में खड़े हैं, जबकि टिकट बंटवारे को लेकर भी अखिलेश यादव इस बार जातीय समीकरणों का पूरा ध्यान रख रहे हैं। तभी तो यादव उम्मीदवारों के बजाय अखिलेश इस बार गैर यादव उम्मीदवार और खासकर ओबीसी उम्मीदवारों को अधिक तवज्जो दे रहे हैं, जिसमें अखिलेश ने पेंशन बढ़ोतरी और फ्री बिजली के साथ समाजवादी कैंटीन शुरू करने का ऐलान किया है। इसके अलावा अखिलेश यादव इस बार पारिवारिक समीकरण भी सटीक तरीके से साधते दिख रहे हैं। हालांकि मुलायम परिवार की बहू अपर्णा यादव भले ही बीजेपी में शामिल हो चुकी हो, लेकिन अखिलेश चाचा शिवपाल को मनाकर यूपी की चुनावी स्थिति बदलने के साथ साथ बीजेपी को घेरने का प्लान भी तैयार कर रहे हैं।
हालांकि अखिलेश यादव की ये तमाम नीतियां जमीनी स्तर पर कितनी कारगर साबित होती हैं ये तो चुनावी नतीजे आने के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि बीजेपी के लिए इस बार सत्ता की राह 2017 की तरह आसान नहीं होने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, आर9।